ए जीतू, एक क्वार्टर पिलाना भाई। कि बे चंद्रू, हैप्पी बर्थडे तेरा। ये पिलाना बे कंजूस, दो दिन से गला सूख रहा है भाई। हट, चंद्रू दोबारा हाथ लगाना, बहुत बुरा बैठेगा तू, समझा? चल निकल। एक खबर है मेरे पास, कड़क खबर दूंगा, सोडा पानी कुछ नहीं, नीट दूंगा साले। खबरी को खबर देगा वो भी तू? हाँ, खबर सुनेगा खंबा पिलाएगा। मेरे पास कोई केस है नहीं, मैंने तुझसे कोई टिप मांगी नहीं, फिर तेरे पास ये नई खबर कहाँ से आ गई? हाँ, यही तो बात है, इस बार खास खबर से खास केस निकलेगा, देख लेना तू। और तुझे खबरियों का वो मिलेगा, वो क्या, हाँ भारत रत्न मिलेगा तेरे को। मेरे को बस एक हफ्ते की पिला देना, अब उसी में से एक क्वार्टर पिला देना भाई, गला सूख रहा। कौन था वो आदमी जिसको पटरी पलटा है? मुझे नहीं पता। और वो चार लोग कौन थे? मुझे क्या पता। तो साले तुझे पता क्या भाई चंद्रू? दूसरे दिन मैं स्टेशन पर भीख मांग रहा था, तो मैंने उस आदमी को जो पटरी पे लिटा के गए थे ना, उसको फिर देखा सुबह। वे साले चंद्रू, मरा हुआ था वो। ये अम्मा, अम्मा भूखे को खाना खे, अम्मा दो दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मा तेरे बाप लोग, पुलिस वाले पता करेंगे ना, तू तो उन्हें बस खबर दे, तगड़ा इनाम मिलेगा। खबरें 36 घंटे बाद भी एक्सपायरी हो जाती हैं, और तू मैं 36 महीने पहले की खबर सुना रहा है, वो भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह। अबे जीतू, क्या समझ के रखा तूने हमें, न्यूज़ चैनल? सर पहले मुझे भी यही लगा था कि ये चंद्र भिगारी ना शराब के लिए मुझे कोई गोली दे रहा है, लेकिन सर वो टून होने के बाद भी ना उसी बात पर अड़ा रहा। तब मेरे दिमाग की घंटी बजी कि हो सकता है जो मर्डर हुआ हो वो सच में हुआ, और उसे वो क्या बोलते हैं कि उसे एक्सीडेंट का कलर दिया जा रहा हो, मतलब परफेक्ट मर्डर। अरुणापुरम रेलवे स्टेशन के पास? जी हाँ, अब मैंने पता लगाया, ये चंद्र भिखारी जिस ट्रैक की बात कर रहा है वो अरुणापुरम और हिमगुड़ी इनके बीच में ही पड़ता है। 2015 में दिवाली के टाइम अरुणापुरम जीआरपी से वेरीफाई कर लो। जी सर। सर हो सकता है बॉडी अभी तक क्लेम भी हो गई हो। उस भिखारी का कहना है कि उसने ट्रैक पर लटाते हुए चार लोगों को देखा, तो मर्डर रूल आउट नहीं कर सकते। अब देखो, एक शराबी की बातों का कितना भरोसा कर सकते हैं? वो भी है सर, कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत भी हो सकती है, या फिर परफेक्ट क्राइम की कहानी हो सकती है, क्या पता। इतनी वार्निंग और इतने फाइन के बावजूद कितने लोग डेली इस पटरी को क्रॉस करते हैं, और इस ट्रैक में एक्सीडेंट रेट्स हाई हैं, लगभग हर हफ्ते यहाँ पर कोई ना कोई एक्सीडेंट केस होता ही है। मैं फिर भी दिवाली 2015 के आसपास रेलवे एक्सीडेंट्स की केसेस की फाइल को लाइनअप करने की कोशिश करता हूँ। दरअसल मैं उस वक्त यहाँ पर था नहीं, इस पोस्टिंग में आए हुए मुझे सिर्फ 8 महीने हुए, फाइल रूम मुझे चेक करना पड़ेगा। हम सिर्फ इसलिए चेक करवा रहे हैं क्योंकि खबरी ने हमें टिप दी है कि मर्डर हुआ हो सकता है, अब ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो। चंद्रू ने कहा था कि मरने वाला आदमी था, राइट? जी सर। तो फिलहाल औरत को रूल आउट करते हैं, ईश्वर क्या लगता है? ये ताकि इसके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया जाए, आइडेंटिटी पूरी तरह से मिटा दी गई। ये तीनों तस्वीरें चंद्रू को दिखाओ। ए जीतू, जीतू देख 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 देख, तू चाहे तो उस खंभे के पैसे ले ले, लेकिन मुझे पिटवा उठवा मत भाई, मार खाने की उम्र नहीं है मेरी। जेल की हवा तो खा सकते ना यार, उस रात में दारू पिया था लेकिन सच बोल रहा था भाई। आज चाय पी के सच बोल दिया, कपड़े भी यही थे साहब। दिवाली का टाइम था, पक्का तू टाइट होगा, ट्रैक पर अंधेरा भी होगा, फिर भी तू पहचान गया। कहीं ऐसा तो नहीं दारू वारू के चक्कर में इस जीतू को गोली दे रहा है? नहीं 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 साहब, भटली कसम, चार लोग थे साहब, और आकर इस आदमी को पटरी पर लिटा गए, मैंने आंखों से देखा था। सर अरुणापुरम जीआरपी ने 1 नवंबर 2015 से 15 नवंबर 2015 तक की सभी मिसिंग कंप्लेंट छानी, लेकिन कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली उन्हें। फिर रेलवे ने खुद ही इस लाश का क्रियाक्रम कर दिया, और बाद में कोई खोजता पूछता भी नहीं आया? जी नहीं सर। हमारे पास एक पेकड़ भिखारी आई विटनेस है, और किस्सा भी 1.5 साल पुराना। ईश्वर क्या ये केस हमें हाथ में लेना चाहिए? जनवरी में केस क्लोज कर दिया गया, तो अब कहां से स्टार्ट करोगे महेश? तुम्हारे पास सिर्फ एक शराबी का बयान है, कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं है। सर शायद मिसिंग कंप्लेंट फाइल की ही नहीं गई, या हो सकता है किसी और डिस्ट्रिक्ट में की गई, या किसी और स्टेट में, पर सर मेरा इंट्यूशन कहता कि ये मर्डर हो सकता। ले लो केस, मैं तो कहता हूं कि भिड़ जाओ, कोई प्रेशर नहीं, लेकिन एक मौका है ये प्रूव करने का कि कभी कोई परफेक्ट क्राइम हो ही नहीं सकता। सर डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स को फिर से सर्कुलेट करने का कोई सेंस बनता नहीं है, सभी पुलिस थाने में जा चुकी है, सबकी फाइल में होंगी। ये केस तकरीबन 1.5 साल पुराना केस है सर। और सर अगर हम ये मान के चलते हैं कि विक्टिम अरुणापुरम या फिर उसके आसपास के एरिया का है, तो फिर विक्टिम के परिवार वालों ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई होगी।
लोअर मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास का लगता है, पर कहीं ना कहीं तो इसका घर होगा जहाँ ये पिछले 1.5 साल से लौटा ही नहीं। यह अरुणापुरम और यह हेमगुड़ी, और यह है इन दोनों इलाकों के बीच में से गुजरता हुआ वो रेलवे ट्रैक जहाँ पर आदमी को लटाया गया। अब विक्टिम या तो हेमगुड़ी का हो सकता है या अरुणापुरम का, और इन चारों कातिलों में से कोई एक या तो इस एरिया का हो सकता है या इस एरिया का, या ये भी हो सकता है कि ये सब के सब या तो हेमगुड़ी से कनेक्टेड हो या अरुणापुरम से। सर, ये अरुणापुरम, हेमगुड़ी, माघीहली, तासीगरी, सेरुनाद, यहाँ कहीं से भी हो सकता है क्योंकि ये सभी एरिया एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक है। सर, विक्टिम करीब 1.5 साल से घर नहीं लौटा, उम्र 26 से 29 साल। अब हमें एक अनजान आदमी की पहचान ढूंढ निकालनी, तकरीबन 10 लाख लोगों के बीच में से। विक्टिम का चेहरा हमें नहीं पता, विक्टिम मारा गया, पर जो भी हो ढूंढना तो है। दस नवंबर 2015 की सुबह उसका सर कुचला हुआ मिला था अरुणापुरम से हेमगुड़ी के बीच रेलवे ट्रैक पर। उम्र 26 से 29 साल के बीच में होगी और गरीब घर से था। अब तुम लोग ये पता करो कि पिछले 1.5 साल के अंदर घर वापस कौन लेगा। मारे गए आदमी की आइडेंटिटी की तलाश जारी थी जो अपने घर नहीं लौटा था, पर साथ साथ हम दूसरे केसेस में भी बिजी थे। और तभी एक दिन वो खबर आई जिसकी उम्मीद काफी कम थी। तू हिमांगी से पूछ ले, वो यहाँ से तीसरी गली में रहती है। अच्छा, इस हिमांगी घर में कोई ऐसा है जो कि पिछले 1.5 साल से घर वापस नहीं लौटा है? हाँ, विजय कोटियान, उसका पति। जहाँ तक मुझे याद है पिछले के पिछले दिवाली से वो दिखाई नहीं, और हिमांगी घरों में काम करती है। इस वक्त शायद वो घर पे होगी। कौन आप? हिमांगी कोटियान। हाँ, मैं ही हूँ। आपके पति विजय कोटियान 2015 की दीपावली के टाइम से घर नहीं लौटे। हाँ हाँ, किधर है वो? आप कौन? विजय ने भेजा है? जी नहीं, मैं पुलिस की तरफ से हूँ। पुलिस? विजय जेल में है क्या? जी नहीं, मेरे पास एक फोटो है पर उसका चेहरा नहीं है। चेहरा? चेहरा नहीं है मतलब? विजय का कुछ पता चला क्या? नहीं हिमांगी बेटा, पार्वती और मैं विजय को ढूंढ ढूंढ के थक गए। क्या विजय ने कुछ बताया था हिमांगी? कहीं बाहर जाने वाला था? नहीं अम्मा, 3 दिन पहले रोज की तरह पीकर आया था। उसके बाद बोला कुछ जरूरी काम है, तो मैं भी मानसी को सुलाकर सो गई। मैं उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर गया था, सबसे मिला वहाँ, सुपरवाइजर, कामगार, सब यही बोल रहे थे कि 9 तारीख के बाद इधर आया ही नहीं। साहब, पूरे 1 हफ्ते के बाद तकदीर चमकी है, वो फोटो वाला आदमी मिल गया। क्या मिल गया? सर, विजय कोटिया नाम था उसका, यही माघी हल्ली का रहने वाला था। उसकी पत्नी हिमांगी अपनी बेटी मानसी को छोड़ने अपने सास ससुर के घर गई है। मैं उसे अपने साथ में लेकर आ रहा हूँ। सर, कुछ और अजीब गरीब सी चीज़ें पता चली, मैं आकर वहीं पर बताता हूँ आपको। हाँ साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है, विजय ने उस रात को यही कपड़े पहने थे, 9 नवंबर को। विजय, कहाँ जा रहे हो? पी कर आए हो? और कितना पियोगे? और जा कहाँ रहे हो? मैं किसी का खून करने जा रहा हूँ, ठीक है? और तूने ज्यादा टेंटे की नहीं मांगी, तेरे को भी काट दूंगा मैं, समझी? कहाँ जा रहे हो?
विजय पीकर मारता था, बिना पिए भी मारता था। बहुत गुस्सा वाला था साहब, उस रात को भी गुस्से में ही निकला था घर से। ये जो विजय ने घर से जाते वक्त किसी को जान से मारने की बात कही थी, ये यूं ही नशे में कही थी या सच में उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी? पता नहीं, कभी कभी तो मुझे भी मारने की धमकी देता था। हमारे एक सोर्स ने चार लोगों को देखा था तुम्हारे पति विजय को पटरी पर लेटाते हुए, क्या तुम बता सकती हो कि वो लोग कौन हो सकते हैं? मुझे नहीं मालूम। हिमांगी, तुम कह रही थी कि तुमने, तुम्हारे सास और ससुर सबने विजय को काफी ढूंढा, तो फिर पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कराई? आदत थी उसकी, झगड़ा करके जाएगा फिर दो चार दिन तक वापस नहीं आएगा, माँ बाप के घर पे ही रुक जाएगा और उसके बाद चुपचाप कुछ दिन में घर लौट आएगा। हमें लगा इस बार भी, पर इस बार 1.5 साल गुजर गए। चीतू, तू कुछ बताने वाला था ना? जी साहब, इनके घर से पहले भी एक आदमी गायब हुआ था। और कौन गायब हुआ था हिमांगी? मैं उनसे कभी मिली नहीं। उनसे? किन से? मेरा जेठ, विजय का बड़ा भाई नीलेश अन्ना। ये नीलेश कोटिन कब से गायब है? मेरी शादी के पहले से साहब। कब हुई थी तुम्हारी शादी? 2011 में, लेकिन नीलेश अन्ना तो 2010 से ही गायब थे। विजय ने ही बताया था उनके बारे में। साहब, इस विजय के माँ बाप जरूर कुछ बता सकते हैं नीलेश के बारे में। हिमांगी, विजय के पास मोबाइल तो रहा होगा ना, नंबर याद है तुम्हें उसका? नंबर तो याद है पर नंबर सेवा में नहीं है ऐसा बोलता है। कोई बात नहीं, इस पर लिख दो। ये विजय कहाँ काम करता था हिमांगी? मजदूर था, वो बिल्डिंग बनती है ना, वहीं काम करता था। जिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था विजय, वहाँ उसके कोई दोस्त तो होंगे ही? विजय के दो दोस्तों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, एक ओमकार प्रसाद और रतन राव, वो भी विजय के साथ मजदूरी करते थे। नंबर, ये ओमकार प्रसाद और रतन राव, ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ओमकार तो हमारे मोहल्ले में ही रहता है साहब, जब विजय खोया था तो उसने ही हमारी मदद की थी। हरिहरन कोटियान जी, मैं। आपकी वो हिमांगी, उसने आपको आपके बेटे विजय के बारे में बताया? जी बताया। आपकी बहू हिमांगी ने हमें आपके बड़े बेटे नीलेश के बारे में भी बताया। पहले नीलेश चला गया, फिर विजय, अब विजय के बारे में ऐसी खबर आई है कि कुछ ऐसा हुआ है। लता दीदी, ये ओमकार किधर है? पता नहीं हिमांगी, सुबह से ही ताला लगा है। मैं साइट पर भी होकर आई पर वहाँ बोले काम पर नहीं आया। गाँव वाँव गया होगा, सुब्रहन्ना से बात करके देखो। ये सुब्रहन्ना कौन है? हम सब का मकान मालिक। ये नीलेश 2010 से गायब है। हाँ, नीलेश एक दिन काम से लौटा ही नहीं। कहाँ काम करता था नीलेश? जी वो हाईवे पर हटे लेना मीनाक से, जब वो बन रहा था तब वहाँ ईंटें लगाना का काम कर रहा था। और आप लोगों ने नीलेश के गायब होने की भी कंप्लेन नहीं कराई, क्यों? तब विजय इतना पीता नहीं था, वो ढूंढ रहा था अपने बड़े भाई नीलेश को, जो कि विजय को मिला नहीं और उसके बाद विजय खुद गायब हो गया। पार्वती जी, आखिर माजरा क्या है? ऐसा भी क्या डरना पुलिस से? अच्छा, 2010 में जब नीलेश गायब हुआ, डेट, महीना कुछ याद है आप लोगों को? जी 7 साल हो गए तो कुछ अच्छे से याद नहीं। आइए सर। सर, लगता है घर बंद करके चला गया ओमकर। फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। ओमकर ऐसे कैसे निकल सकते हैं? हमें तो बताया नहीं कुछ। हिमांगी, ये ओमकर अच्छा दोस्त था विजय का? हाँ, जब विजय गायब हुआ था तो सबसे पहले मैं यहीं आई थी ओमकार से पूछने। ओमकार, ओमकार, क्या हुआ हिमांगी? विजय रात भर घर नहीं आया। कहीं दारू वारू पीकर कहीं पड़ गया होगा। एक काम कर, तू रतन से पूछ ले। मिला मुझे रतन रास्ते में, उसे भी कुछ पता नहीं है। अरे रतन, विजय को देखा क्या कहीं पे तुमने? नहीं तो क्यों, क्या हुआ, बात क्या है हिमांगी?
रात भर घर नहीं आया विजय, मुझे लगा तुमने कहीं देखा होगा। नहीं, मुझे तो नहीं पता। और विजय होकर कहाँ पर होगा, पीकर पड़ा होगा कहीं पर। तू ओमकार से जाके पूछ, मैं इधर देखता हूँ। हेमांगी, क्या तुम आजकल में ओमकार से मिली थी? क्या उसे पता है कि विजय का मर्डर हुआ हो सकता है? हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। नहीं साहब, मेरी तो महीनों से बात तक नहीं हुई ओमकार से। ये रतन कहाँ रहता है? मालूम नहीं। सुब्रा जी, आप जानते रतन को? हाँ हाँ, अच्छी तरह। रतन भी यही रहता था ओमकार के साथ। रहता था मतलब? अब कहाँ रहता है वो? अब पता नहीं साहब, 2015 के आखिर तक दोनों यही रहते थे। एग्रीमेंट दिखाई लीजिए। एग्रीमेंट पर रतन राव का नाम, फोटो, एड्रेस कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि साहब वो बाद में आता रहने। ओमकार मुझसे बोला कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, इसके लिए मैंने उसको रहने को दिया। और वो आधा किराया भी देता था, इसके लिए मैंने फिर कागज पत्र वगैरह कुछ बनाया नहीं। ओमकार अपना फोन बंद करके बैठा है, जरूर भागा होगा हमारे आने की भनक लगने पर। हेमांगी, मैं साफ साफ बताऊं, तुमने तो कुछ नहीं बोला है ना उसे हमारे बारे में? नहीं साहब। तो फिर लफड़ा क्या है? तुम्हारा पति गायब है, पूरे 1.5 साल हो चुके हैं और तुमने शिकायत भी नहीं की। और 1.5 साल से मैं इंतजार कर रही हूँ साहब उसका, कि आज आएगा, कल आएगा, मेरी बेटी को उसका बाप मिल जाएगा। जबकि जानवर की तरह पेश आता था विजय मुझसे, और अब लफड़ा पूछ रहे। लफड़ा तो हो गया साहब, अब मेरा पति कभी वापस नहीं आएगा, मेरी बेटी को उसका बाप कभी नहीं मिलेगा। ये केस अजीबोगरीब तरीके से शुरू होता और अब और भी अजीब होता जा रहा। ये विजय कोटियन 2015 में मिसिंग होता, मारा जाता और 1.5 साल तक इसकी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई जाती। और सर, ये विजय कोटियन का बड़ा भाई नीलेश कोटियन, ये 2010 से गायब है, 7 साल हो चुके हैं, पर इसकी भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई है। और ये ओमकार प्रसाद, विजय कोटियन का दोस्त, यह सुबह से गायब हो गया सर, इसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। और इस ओमकार के साथ रहने वाला विजय का दूसरा दोस्त रतन राव, वो पिछले 1 साल से गायब है, उसका तो कोई फोटो भी नहीं हमारे पास सर। सर, इस विजय की पत्नी हिमांगी, इस पे डाउट जा रहा है, स्ट्रॉन्ग डाउट। आई मीन, एक पति की मार से परेशान औरत जिसका पति अचानक गायब हो जाता है, एक तरह से उसे छुटकारा ही मिल गया। पर सर, जैसे हिमांगी को पता चला कि हम पता कर रहे हैं विजय के बारे में, सर चौंक गई। सर, मुझे ऐसा लगता है कि हिमांगी ने ही ओमकार को टिप ऑफ किया होगा, उसके बाद ओमकार गायब हो गया। सर, आई थिंक विजय के केस में ये ओमकार और हिमांगी दोनों इन्वॉल्वड है। हिमांगी पर तुम्हारा शक किस बुनियाद पे है? क्योंकि 1.5 साल तक ना तो उसने अपने पति विजय को ढूंढा और ना ही उसे ढूंढने में पुलिस की कोई मदद ली। विजय कोटिन के मिसिंग होने में हम उसकी पत्नी हिमांगी पर शक कर सकते हैं, लेकिन फिर नीलेश के गायब होने में? सर, ये विजय हिमांगी की शादी 2011 में हुई थी, पर ये नीलेश तो 2010 से ही गायब है। सर, चंद्रू भिखारी का कहना है कि वो 4 लोग थे जिन्होंने विजय को ट्रैक पर लेटा है। सर, अभी तक हमें विजय के सिर्फ 2 दोस्तों के बारे में पता चला है, एक तो ये ओमकार प्रसाद और दूसरा है रतन राव, जिसका अभी तक हमारे पास फोटो नहीं है। और सर, इन 4 लोगों में एक इस ओमकार के होने के पूरे चांसेस है, तो जैसे ही से पता चला कि हमें पता चल चुका है, तुरंत फरार हो गया। इस विजय कोटियन के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, हो सकता है उसमें रतन राव का नंबर नजर आ जाए। और सर, मैं ये विजय कोटियन के बड़े भाई नीलेश कोटियन के केस को खंगालती हूँ। हाईवे के पास मीनाक्षी होटल के कंस्ट्रक्शन पे ये काम कर रहा था, जो बिल्डिंग तो कब की पूरी हो चुकी है। सर, आई थिंक 2010 के कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट में इस नीलेश का नाम जरूर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें 2010 के जितने भी रेलवे ट्रैक पर एक्सीडेंट केसेस हैं, सब खंगालने चाहिए। हो सकता है 2015 में जो विजय के साथ हुआ, वही 2010 में नीलेश के साथ भी हो। इस अजीबोगरीब केस में कुछ भी मुमकिन है। ये केस बड़ा बनता जा रहा है, हो सकता है भिखारी चंद्रू की छोटी सी टीम किसी बड़े कांड का पिटारा खोल दे। जी मुकेश सर, साल 2010 में जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट केसेस है आपके ज्यूरिसडिक्शन में, मुझे सभी की फाइल चाहिए। उसके लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा अंजलि, 7 साल पुराने रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है मुकेश सर। ये तो इस ओमकार प्रसाद को ढूंढने का, ये पक्का को जानता है, इसलिए हमें सूंघते ही किसी बिल में जाकर छुप गया। और इस हिमांगी पर भी नजर रखो, हमें शक है कि इसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सर, आप चिंता मत करो, ये केस मेरे लिए बहुत खास है। उल्टा जो चल रहा है सब, ऐसा पहली बार हो रहा होगा ना कि मेरी दी हुई खबर की पेट से केस जन्म ले रहा है।
दो नंबर मैसेज कर रहा हूँ। ये दोनों नंबर स्विच ऑफ हैं, पर दोनों के रिकॉर्ड्स चाहिए। कंज्यूमर फॉर्म से लेकर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तक पूरी फाइल। हाँ हाँ 2015 के ही रिकॉर्ड्स मांग रहा हूँ। ये तो ओमकार है, ये मेरे यहाँ का ही कारीगर है, लेकिन दो दिन से काम पे नहीं आया। रामडे गन्ना, ये ओमकार ना मर्डर केस में शामिल हो सकता है। 2015 का केस है। तू पद्मागर से मिल, वो कई सालों से यहाँ अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है। शायद वो जानता होगा कि ये ओमकार कहाँ हो सकता है, और वो पक्का रतन को भी जानता होगा। ये पद्मागर कहाँ मिलेगा? वो तो यहीं ऊपर दूसरे माले पे काम कर रहा है। होटल के ओनर से ही मालूम होगा कि होटल कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था, और वहाँ से आपको लेबर सप्लायर का कॉन्टैक्ट मिलेगा। वैसे 7 साल पहले की बात कर रही हैं आप, 2010 की। जी पराग जी, 2010 उस वक्त साइट पर काम कर रहे नीलेश कोटियान को ढूंढ रहे हम, तो 7 साल पीछे तो जाना ही पड़ेगा। आप एक बार अपने होटल के ओनर से बात कीजिए ना प्लीज। मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए मैडम। प्लीज शाम तक कर दीजिए। वैसे हम नीलेश कोटियान के छोटे भाई विजय कोटियान के केस में 1.5 साल लेट है, और नीलेश कोटियान के केस में तो 7 साल लेट है। पद्माकर। हाँ मैं ही हूँ पद्माकर। तुम ओमकार प्रसाद और रतन राव को जानते हो? हाँ दोनों को जानता हूँ, हमारी तरह मजदूर है। क्यों क्या हुआ? ओमकार प्रसाद गायब है और रतन राव को कुछ पता नहीं, बता सकते हो कहाँ मिलेंगे? अरे कार्तिक, हाँ ये ओमकार के बारे में पूछ रहे हैं। अरे भाई वो तो 2 दिनों से काम पर ही नहीं आया। हाँ, है मालूम है मुझे। माजरा क्या है और तुम कौन हो? मैं पुलिस का मजदूर। अच्छा सुनो, लगभग 1.5 साल पहले यहाँ से एक मजदूर गायब होता, विजय कोटियान, जानते हो उसे? दीपावली के टाइम पे। विजय को ना जानता हूँ मैं, उसका बड़ा भाई नीलेश, वो भी कई साल पहले गायब हुआ था, मालूम है मुझे। नीलेश भी पहले हमारे साथ ही काम करता था। देख भाई जी, तू ना अपने माई बाप पुलिस वाले को बोल दे कि अगर ये ओंकार प्रसाद कुछ करके भाग भाग गया होगा ना, तो ये जरूर मध्य प्रदेश गया होगा। मध्य प्रदेश तो काफी बड़ा है। देखो और कुछ मुझे पता नहीं, जहाँ तक मुझे याद है पहले उसका वहाँ से अप डाउन होता था। ठीक है, और ये रतन राव? ये रतन तो काफ़ी टाइम से दिखा नहीं है, बहुत टाइम हो गया। अच्छा कार्तिक, ये रतन ये किस तरफ का है? ये तो अब पद्माकर। अरे रतन तू भूल गया क्या? अरे वो तो उस साइड रहते हैं ना, वो गुंतुर कहीं आंध्रा में। हाँ मैंने सुना है कि ये विजय का मर्डर हो गया। सच है क्या? हाँ सच है। और एक बात, ये विजय कोटियान की पत्नी हिमांगी है ना, पुलिस को उस पर शक है कि ये विजय के मर्डर में उसका हाथ हो सकता है। ऐसा क्या? माजरा क्या है? एक गवाह है जिसने 2015 को दीपावली की रात में 4 आदमी को देखा था अपने इस विजय कोटियान को ट्रेन की पटरी पर लिटाते हुए। उसमें विजय के 2 दोस्तों को हमने पहचान लिया है, एक ओमकार प्रसाद और दूसरा रतन राव। ये बाकी 2 कौन है तुम लोग बता सकते हो? हम क्या बताएं, हमें तो वैसे ही ये सुन के डर लग रहा है कि अपने विजय का मर्डर हो गया है। और भाई जीतू, तू ये जो हिमांगी उससे दूर ही रहना, बड़ी चालाक औरत है वो। चालाक से तेरा क्या मतलब है कार्तिक? देख जब से विजय गायब हुआ है ना, तब से मोहल्ले से लेकर साइड तक सब लोग यही कह रहे हैं कि हिमांगी जो थी वो विजय से छुटकारा चाहती थी, और बस इसलिए उसने अपने पति को रास्ते से साफ कर दिया। एक और फाइल 2010 के एक्सीडेंट केस की। नौ नवंबर 2015 की शाम को विजय कोटिन के फोन पर आखिरी कॉल इस रतन राव का, और उसके बाद से रतन का फोन स्विच ऑफ हुआ था। वैसे इन दोनों दोस्तों के बीच काफी बातचीत होती थी सर, ओमकार के साथ भी। विजय कॉटन के कत्ल के केस में अभी ओमकार और रतन दोनों हमारे प्राइमरी लिंक्स, इसमें कोई शक नहीं। ओमकार अंडरग्राउंड है सर, हिमांगी रडार पर है। अब बस इस रतन का पता चल जाए तो शायद इस केस में हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकते हैं। और विजय के बड़े भाई नीलेश, उसके केस में क्या प्रोग्रेस है? अरुणापुरम से 2010 के सारे रेलवे एक्सीडेंट केसेस की फाइल्स बहुत जल्दी आ जाएंगी सर।
अंजलि मीनाक्षी होटल के कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को ट्रैक कर रही है, जहां ये नीलेश 7 साल पहले मजदूरी करता था। लगा रहे जीतू, छोड़ना मत। जो सवाल ओमकार प्रसाद से करना है वही सवाल हमें इस रतन राव से भी करना है। सर वैसे मैंने मध्य प्रदेश में अपने 4 आदमी को काम पर लगा दिया है, जो अलग अलग जगहों पर इस ओमकार प्रसाद को ढूंढ रहे हैं, और गुंटूर साइड में एक टीम ऑन कर दी है इस रतन राव के लिए। 2010 में कुल मिला के कितने एक्सीडेंटल डेथ केसेस हैं? कुछ 68 फाइल्स हैं मैडम, सब के सब रेलवे की पटरी पर हुए एक्सीडेंट केसेस हैं। इनमें से ज्यादा तो शराबी और गर्दुले थे जो नशे की हालत में ट्रैक पर गिर गए। कुछ सुसाइड केसेस भी है मैडम। हर साल हजारों की तादाद में लोग रेलवे ट्रैक्स पर मारे जाते हैं। इनमें से ज्यादातर केसेस अननेचुरल एक्सीडेंटल डेथ की फाइल्स में क्लासिफाई होते हैं। कई लाशें लावारिस बनकर पड़ी रहती हैं, जिनका रेलवे द्वारा क्रियाक्रम कर दिया जाता है। कभी कभार जैसे कि इस केस में मर्डर को एक्सीडेंट का रंग देकर उस संगीन जुर्म को एक्सीडेंट फाइल्स में छुपा दिया जाता है। गुजरते वक्त के साथ साथ ये साफ होता गया कि विजय कोटियन का केस क्लियर कट मर्डर केस था, और 2010 की फाइलों में से भी हमें विजय कोटियन के केस से काफी मिलता जुलता केस मिलने वाला था, और उसमें भी शायद मर्डर को एक्सीडेंट का लिबास पहना दिया गया था, और ये केस था विजय के बड़े भाई नीले। सर 2010 के 68 केसेस में से ये केस ऐसा है जिस पर डाउट जा रहा है, ये सितंबर 2010 का है। और सर इस केस में भी बॉडी ज्यों की त्यों है, सिर्फ सर ट्रेन के नीचे आके कुचल गया है, बिल्कुल विजय कोटियन के केस की तरह। और सर ये 2010 वाला केस भी अरुणापुरम और हिमगुड़ी के बीच वाले ट्रैक पर ही हुआ था, विजय की बॉडी भी इसी ट्रैक पर मिली थी। अब शायद हम एक नहीं दो दो मर्डर केसेस का सामना कर रहे हैं, नीलेश कोटियन और विजय कोटियन, इन दोनों भाइयों के 5 साल की गैप। हो सकता है दोनों का कातिल सेम हो। और सर मोडस ऑपरेंडी तो सेम है ही। ये मोडस ऑपरेंडी, ये इस तरह लोगों को मौत के घाट उतारने का तरीका, शायद उन 4 हत्यारों ने कुछ और लोगों पर भी अपनाया होगा। सर मैं नीलेश और विजय के पेरेंट्स को नीलेश की फोटो दिखाता हूँ, हालांकि ऐसी हालत में उनके लिए पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी ट्राई करता हूँ, शायद नीलेश के कपड़ों से पहचान जाए। दिमाग पे जरा सा जोर देकर याद करने की कोशिश कीजिए कि आपका बेटा नीलेश सितंबर के महीने में गायब हुआ था 2010 में। वो जब आखिरी बार घर से बाहर निकला था तो क्या वो इसी रंग के कपड़े पहनकर निकला था? हरी जी पार्वती जी, क्या ऐसा कोई भी है जो हमें नीलेश के बारे में और जानकारी दे सकता है जो उसके करीब था? ये उसके सबसे करीब तो हम ही थे, पर हम बूढ़े हो गए। 7 साल पुराना सब कुछ धुंधला सा हो गया। नीलेश को भी ऐसा ही मार डाला गया था, कौन थे वो लोग? पार्वती जी हमें पक्का तो नहीं मालूम, हाँ लेकिन जिस तरह से विजय का कत्ल कर दिया गया था रेलवे ट्रैक पर सुलाकर, ठीक उसी तरह से इस आदमी का भी कत्ल कर दिया गया था। अब हमें ये लग रहा है कि सितंबर 2010 की ये लाश आपके बड़े बेटे नीलेश की थी। अच्छा क्या आप लोगों की कोई पुरानी खानदानी दुश्मनी है जिसके चलते आपके दोनों जवान बेटों को गायब करके मार डाला गया? हम गरीबों का कैसा खानदान, कैसे दुश्मनी? हम खाली पेट उठते हैं, अपना खून चलाते हैं, मेहनत करते हैं, तभी जाके 4 चावल पेट में गिरता है। हमारे औकात है क्या किसी से लड़ने की या झगड़ने की? सॉरी मैडम, थोड़ा टाइम लगे हमारे होटल की कंस्ट्रक्शन कंपनी तक पहुंचने में, लेकिन लेबर सुपरवाइजर से कांटेक्ट हो गया। थैंक यू पराग जी, प्लीज इस सुपरवाइजर का नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए तुरंत। जी मैडम, मैं अभी फॉरवर्ड करता हूँ। नाम क्या है इस लेबर सुपरवाइजर का? लेबर सुपरवाइजर का नाम है गिरीश किनी। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अंजलि शेट्टी बोल रही हूँ, क्राइम ब्रांच से। क्या बात है मैडम? गिरीश 2010 में हाईवे पर होटल मीनाक्षी का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ पे तुम्हारा एक लेबर काम कर रहा था नीलेश कोटियान। नीलेश कोटियान वो मागे लिया? नहीं, ये देख के तो नहीं बता सकता कि ये नीलेश कोटियान है, मतलब वैसे भी 7 साल हो गए, सैकड़ों मजदूर आए गए, और उसमें इसका चेहरा भी तो। गिरीश ये मर्डर केस है, जिस तरह नीलेश के छोटे भाई विजय का मर्डर हुआ 2015 में, उसी तरह 2010 में खुद नीलेश के भी मर्डर होने की संभावना है। छोटे मजदूर आदमी का कत्ल करके किसको क्या मिलने वाला है? वही तो हम जानना चाहते हैं गिरीश, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें डाउट है जिस तरह से इन दो भाइयों को मार दिया गया रेलवे ट्रैक पर लिटाकर,
उसी तरह से उन लोगों ने और भी कई लोगों को मारा हो सकता है। अच्छा गिरीश एक बात बताओ, ये जो मीनाक्षी होटल का कंस्ट्रक्शन साइट था जहाँ पे नीलेश काम करता था, क्या वहां पे इसका कोई ऐसा झगड़ा हुआ था जिसमें उसका छोटा भाई विजय भी शामिल हो? नहीं मैडम, ऐसे तो कोई बात नहीं थी। ये नीलेश एकदम सीधा साधा गाय आदमी था मैडम। हाँ जब ये गायब हो गया तो उसके बाद वो कविता आती थी इसके बारे में पूछने के लिए। कौन है ये कविता? गिरीश अन्ना, हाँ? नीलेश आज भी नहीं आया काम पर। तो मैं क्या करूं? दो दिन हो गए हैं, आपको बता के गया था, छुट्टी क्यों ले रहे हैं? मेरे को बोला होता तो सुबह तुमने जब पूछा तभी बता देता ना। पांचवी बार पूछने से गलत जवाब दूंगा मैं। गिरीश ये कविता भी कहाँ मिलेगी? जब वो आखिरी बार पूछने आई नीलेश के बारे में उसी दिन से ये कविता भी गायब हो गई। ये हो क्या रहा है गिरीश? कविता भी उसी दिन गायब हो गई? अगर कोई बिना बताए काम पे आ ही नहीं रहा है तो मेरे लिए तो गायब ही हो गया ना। तुम्हें इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा कि तुम्हारे ही साइड से दो लोग ऐसे अचानक गायब हो गए जिसमें से एक औरत थी? तुम पुलिस कंप्लेन करवा सकते थे। मैडम मैडम मैडम, ये लोग मजदूर लोग हैं मैडम, और इनके लिए ना अचानक बिना बोले काम छोड़कर चले जाना या कुछ दिन के बाद वापस काम मांगने के लिए आना, ये आम बात है। अच्छा ये बताओ गिरीश, ये कविता के बारे में हमें कहाँ से पता चल सकता है? ये वो मागी अली है ना, वहाँ की चित्रपुरी करके बसती है, वहां से आती थी ये कविता। और हाँ महाराष्ट्रीयन थी। कोई फोटो वोटो नंबर है तुम्हारे पास उसका? अभी फोटो वोटो कहाँ मैडम। सर कहीं विजय और नीलेश की तरह ये कविता भी मारी तो नहीं गई? ये चंद्र भिखारी हमारी झोली में क्या डाल गया, किसी कत्ल की टिप या कत्लों का पिटारा? सर ये कोई रिले रेस जैसा होता जा रहा है। एक मिसिंग कंप्लेन दूसरे की तरफ इशारा कर रही है और एक मर्डर केस दूसरे मर्डर को दस्तक दे रहा है। सर आई थिंक हमें इस कविता को चित्रापुरी बस्ती में ढूंढना चाहिए, शायद वो हमें नीलेश के केस के बारे में कोई लीड दे पाए और नीलेश का केस शायद विजय के हथियारों तक हमें पहुंचा दे। रतन राव और ओमकार प्रसाद ये कहां दौड़ रहे हैं इस वक्त? सर्च जारी है सर, कब्रियों का महागठबंधन काम पर लगा हुआ है। ऑपरेशन कविता, लेकिन ध्यान रहे इस रिले रेस में वो बैटन वो कड़ी हमारे हाथ में आनी चाहिए जो हमें इन केसेस की तय तक लेकर जाए। ऐसा ना हो कि हर खिलाड़ी अलग अलग दौड़ रहा है, कोई ट्रैक में कोई स्टेडियम में, बस एक ऐसी कड़ी मिल जाए जो इन सारे केसेस को आपस में जोड़ दे, मर्डर और मिसिंग केसेस को। पता नहीं इस रेलवे ट्रैक पर और कितनी लाशें बिछाई गई होंगी। कविता को जानती हैं आप? किसी कविता को जानती हैं? कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती है कविता, महाराष्ट्रीयन है। हाँ कविता, अच्छी तरह से जानती हूँ कविता को। पूरा नाम क्या है इस कविता का? शादी के पहले था कविता मोरे और शादी के बाद हो गया कविता मालगी। अच्छा तो उसका पति भी है, कहाँ रहता है वो? आपको मालूम नहीं? अरे 2009 में उसका पति अचानक गायब हो गया। गायब हो गया कहाँ? यहीं चित्रापुरी से। हाँ अरे एक नंबर का बेवड़ा था, एक दिन गया बार में दारू पीने और अचानक से गायब हो गया। पूरा नाम क्या था इसके पति का? दयानंद, दयानंद मालगी। मैडम यही हमारे साथ साइट पे मजदूरी करता था। अरे कविता पे इतना हाथ साफ करता था, जानवरों जैसा मारता था। पर पुलिस में किसी ने इस मारपीट की कंप्लेन तो नहीं कराई होगी? अरे पति पत्नी के झगड़े में कोई पुलिस को लाता है क्या? और यही सोचकर पता नहीं कितनी सारी औरतें अपनी जान गंवा बैठती। खैर गौरी जी मुझे ये कविता चाहिए, कहाँ मिलेगी? क्या मैडम, अरे उसका पति दयानंद गायब होने के बाद कुछ एक साल बाद कविता भी यहाँ से चली गई। कोई तो होगा ऐसा बस्ती में जिसके साथ उसने वास्ता रखा। हाँ हाँ कविता की एक खास दोस्त थी नफीसा। नफीसा वो है या वो भी गायब? अरे नहीं नहीं मैडम, अभी तक तो है, मतलब यहाँ चित्रपुरी में नहीं, यही बाजू में मागी हल्ली है ना वो बस्ती में रहती है। अरे पिछले हफ्ते मैं गई थी ना बाजार में, वहाँ दिखी थी मेरी। आपके पास नंबर है उसका? नंबर नहीं। आज के बाद आप रोज मागी हल्ली जाएंगे और वहां जाने के बाद आप नफीसा का इंतजार करेंगे। जैसे ही आपको नफीसा दिखती है आप तुरंत उससे हमारा कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है मैडम। अबे साले जीतू,
एक टिप क्या ले आया चंद्रू भिखारी की, हमें पूरे क्राइम ब्रांच की छुट्टियां कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन एक भी सुराग हमारे हाथ नहीं लगा। हाथ में था सर, ये रतन राव हमारे हाथ में था, लेकिन फुर हो गया। फुर हो गया? मतलब कहां से फुर हो गया? दो महीने पहले से ये आरके मार्ग पुलिस थाने में बंद था ये रतन राव, परसों जमानत हुई है और निकल गया यहां से। चार्ज क्या लगा था इस रतन पर? फुल मर्डर का। मतलब ये हिस्ट्री शीटर है? ये साला जेल में बैठा था और हम लोग इसे पागलों की तरह बाहर ढूंढ रहे थे। सर अभी डबल शॉक के लिए रेडी हो जाओ, इस रतन राव के साथ में दूसरा बंदा था ना ओमकार प्रसाद, वो भी हिस्ट्री शीटर है क्या? एकदम, इस रतन के साथ इसी मर्डर केस में अंदर था और इस ओमकार की अभी 3 हफ्ते पहले ही जमानत हुई है। ये तो हद ही हो गए, हमें कैसे पता नहीं चला कि हमारे जो दो प्राइम सस्पेक्ट है वो दोनों के दोनों हिस्ट्री शीटर है। ओमकार प्रसाद और रतन राव दोनों हिस्ट्री शीटर्स हैं और मर्डर केस में अंदर है। अब तो पक्का लग रहा है कि नीलेश और विजय को इन दोनों ने ठिकाने लगाया, और कविता का पति दयानंद मालगी जो 2009 से गायब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी अननेचुरल एक्सीडेंट केस की फाइल बनी हो पर असलियत में उसका भी मर्डर हुआ। इस हिमांगी को तोड़ते हैं सर, ये कब से खामोश बैठी तमाशा देख रही थी, इसने एक बार भी मुंह नहीं खोला कि इसके पति विजय के दोनों खास दोस्त ओमकार प्रसाद और रतन राव ये दोनों के दोनों हिस्ट्री शीटर हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय और नीलेश इन दोनों के आपस में कोई अनबन कोई तूतू मैं हो गई हो? शायद इस विजय ने अपने बड़े भाई नीलेश को मरवा दिया हो पहले, और फिर बाद में किसी और ने विजय को मरवा दिया हो। ऐसा कुछ नहीं मैडम, मैंने सबसे पहले विजय और नीलेश इन दोनों की दुश्मनी का ट्रैक सबसे पहले खंगाला था। तेरा ये अच्छी तरह से ना और अच्छे से होना चाहिए जीतू, ओमकार और रतन इन दोनों के केस में भी तूने अच्छी तरह से टटोला था। मिस्टेक हो गई मैडम, काम बिल्कुल भी पक्का नहीं हुआ जीतू, काम पक्का होना चाहिए इस बार। इंसान हूं साहब, गलती हो जाती है, लेकिन ये गलती कैसे होगी समझ में नहीं आ रहा। ये पद्माकर और कार्तिक और वो भी तो ओमकार और रतन को सालों से जानते हैं, और उन्हें भी इनकी हिस्ट्री पता नहीं। शिव सर, मैडम आपकी फ्रेंड गौरी ने बोला मुझे आपको फोन करने को। तुम नफीसा बोल रही हो? जी मैडम। नफीसा शेख है मेरा नाम। कविता मलगी उर्फ कविता मोरे को ढूंढ रहे हम, तुम्हारी दोस्त हुआ करती थी ना? कविता तो अभी भी दोस्त है मेरी। रहती कहाँ है कविता? सोलापुर में। सोलापुर में, वहीं की तो है वो। जब उसका शौहर दयानंद गायब हुआ, फिर नीलेश भी, तो कविता लौट गई सोलापुर। कविता को बोलूं क्या आपको फोन करने के लिए? नहीं नहीं नफीसा, तुम एक काम करो, फिलहाल तुम मुझे कविता का फोन नंबर दे दो। पर बात क्या है? तुम यहाँ क्राइम ब्रांच में आकर मुझसे मिलो, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ, पर पहले तुम मुझे कविता का फोन नंबर दे दो। पता भी है उसके घर का? फोन करने की तो सोचना भी मत इस कविता को। एक टीम लो और सीधा सोलापुर पहुंचो इसके एड्रेस पर और उठा लो इस कविता को। राइट सर। सर मैं आरके मार्ग पुलिस थाना से बात करता हूँ, ये ओमकार और रतन जिस मर्डर केस में अंदर हुए थे उस केस को स्टडी करता हूँ, हो सकता है इन दोनों के बारे में कोई लीड मिले। सारे केसेस को अपनी समझ और पकड़ में रखना होगा, और जो सब कुछ जानकर भी अनजान बने बैठे थे उनकी तो बैंड बजानी। इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा तिनका कई डूबे हुए केसेस को बाहर उभार लाया था, हमारी तहकीकात के नैया को आगे बढ़ा पाया था, पर किनारा अभी बहुत दूर था। 2017 में हम पिछले कई सालों के कई केसेस को अंजाम देने जा रहे थे, कल हम पेश करेंगे इस केस का दूसरा और शेष भाग। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।